इथं एक मुलगी काढलेली आहे झोपाळ्यावर बसली आणि वरती हर्ट्सचं ट्री काढलेलं आहे. खाली लिहिले ग्रो हॅपीली म्हणजे मुलीला आनंदात वाढवा. त्याच्याच वरती मी डिझाईनमध्ये हर्ट काढलेला आहे. त्याच्यामध्ये लिहिले डोनेट ब्लड. त्याच्यावरती एक बीच काढलेला आहे आणि ही नाळ काढलेली आहे आणि खाली लिहिले सेव गर्ल. इकडेच एक पृथ्वी काढलेली आहे. मास्क बांधला आहे आणि खाली लिहिले स्टे होम. आणि पाठीमागच्या बाजूला सिंपल मेहंदी काढलेली आहे.
संजीवनी भास्कर देशमुख. माय क्लास इज द BSc सेकंड इयर. मी मेहंदी या स्पर्धेत भाग घेतला आहे. नमस्कार, मैं सानिका विजय गोरपड़े, TYBCOM की छात्रा. आज हिंदी दिन के अवसर पर काव्य वाचन प्रतियोगिता में मैं आपके सामने एक छोटा सा काव्य पेश करना चाहती हूँ. उस काव्य का नाम है हिंदी भाषा. भारत की है बोली हिंदी, भारत की है बोली हिंदी, हम सबकी हम जोली हिंदी. हिंदी की है बात निराली, यह है हर भाषा से प्यारी. पुरखों की ये सौगात, सब करते हैं इसकी ही बात. अनपढ़ हो या शिक्षित कोई, इससे है हर परिचित कोई. हम सबकी ये अभिलाषा, हिंदी हो हम सबकी भाषा. सदा करे इसका सम्मान, इससे है भारत का मान. सदा करे इसका सम्मान, इससे है भारत का मान. धन्यवाद. और आप सभी लोगों को हिंदी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. नमस्कार, मी सानिका विजय गोरपडे, TYBCOM ची विद्यार्थिनी. आज आपल्या समोर कर्मवीर जयंतीनिमित्त एक छोटंसं काव्य सादर करणार आहे. त्या काव्याचं नाव आहे मैत्री. मित्रांनो, बाकीचे नाते आपण जेव्हा जन्माला येतो तेव्हाच ते आपल्याला लादले जातात. पण हे एक असं नातं आहे ज्यामध्ये धर्म, जात, रंग वगैरे काही न बघता ते फक्त आपल्या मनाने हाताने आपण बनवत असतो. खरं तसं नातं समाजामध्ये कुठेही दिसणार नाही. तर माझ्या काव्याचं नाव आहे मैत्री. आज खूप दिवसानंतर मी या विषयावर विचार केला. ना मनात घेता सगळा थकवाच गेला. ना रक्ताचं नातं, ना कोणत्याही फॅनचं पातं. पण दळलं तर खूपच दळून जातं हे जातं. मैत्री मैत्री म्हणजे किती छान जिव्हाळा ज्यामध्ये काहीच खोट नसतो. न कुठलंही बंधन, ज्यामध्ये असतं फक्त मजा करण्याचं अंगण. एखाद्याला आपणच पाडायचं आणि कधी तर आपणच झेलायचं. किती छान वाटतं, कधी तर आपली कोणी काळजी घेतं. कधी कधी समोरचं खाणंसुद्धा काढून येतं. कधी शिव्या देतं. पण जेव्हा जग विरोधात जातं तेव्हा मात्र समजून घेतं. मैत्री म्हणजे असतं गवताला पाणी, नसलं आयुष्यात कोणी तर वाटतं दुष्काळवाने. यामध्ये आहे खूपच निराळ प्रेम. खरंच यामध्ये आहे खूपच निराळ प्रेम. असाच आहे हा मैत्रीचा सुंदर गेम. धन्यवाद. नाम प्राजक्ता दिनकर जाधव. हिंदी दिन के अवसर पर मैं एक काव्य पेश कर रही हूँ. यह उन दिनों की बात थी. चुनौतियों से भरी हरी रात थी जब वीर जवानों ने हमारे यह संदेश भिजवाया था. शहीद होकर अमर हो गए और देश आज़ाद करवाया था. हाँ, यह देश गुलजार है, हवा में इसके प्यार है. छोटे बड़े सब अपने हैं, खुली आँखों में भी सपने हैं. हर परिंदा आज़ाद है, सभी भाषाओं का अनुदान है. हर बूंदे में प्यास है, हर रस में मीठा है. रंगमंच है खुशियों का और भविष्य का भी अंजाम है. ज़्यादा या थोड़ा ही सही, पर हर दिल में मौजूद कलाम है. नमस्कार, मेरा नाम अक्षता शरटिक. मैं TYBCOM की छात्रा. हिंदी दिन के अवसर पर आपके सामने हिंदी इस विषय पर कुछ काव्य रचना सादर कर रही हूँ. इसमें देश की मिट्टी की खुशबू सी होती है. देश प्रेम की भावना, इसमें और ज्यादा निखरती है. शब्द शब्द में इसके जैसे एक सम्मान होता है. वीर सपूतों की वाणी में इसे जोश उगलता है. वीर रस श्रृंगार रस जैसे सारे रसों की ताकत है. इंग्लिश बिंदी जो भी बोलो, हमें तो हिंदी आदत है.
इंग्लिश विंग्लिश जो भी बोलो, हमें तो हिंदी आदत है। हम भारत के लाल सदा इसको अपनाते आए हैं। बचपन से ही हमें राष्ट्र के लिए सिखाते आए हैं। वर्णमाला को सीखा है हमने बचपन के खेलों में। कैसे भूले इसके दिन हम दुनिया के झमेलों में। भारत माता के माथे की बिंदी है। राष्ट्रवाद के लिए जरूरी हिंदी है। नमस्कार, मैं प्रतीक्षा विलास पाटिल, TYBCOM की छात्रा। इस काव्य वाचन प्रतियोगिता के अवसर पर मैं अपने दोस्तों की याद में एक काव्य पेश करना चाहती हूँ, जिन्हें मैं बहुत याद कर रही हूँ। इस कोरोना के कारण हम एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते, सब अपने अपने कामों में लगे रहे, इसलिए उनकी याद में कुछ लाइनें। हर सुख दुख में साथ साथ जिया करते थे, हर हो या जीत, एक दूसरे का हमेशा साथ दिया करते थे। कभी तुम हमसे, कभी हम तुमसे रूठ जाया करते थे। फिर तुम हमें और कभी हम तुम्हें मना लिया करते थे। एक दूसरे की खुद से ज़्यादा परवाह किया करते थे। ये बात तो सब कल की ही रखती है। हम तुम अपनी दोस्ती पे कितना इतराया करते थे। यकीन नहीं होता समय के साथ हालात इतने बदल जाएंगे। हम अपनी अपनी दुनिया में इस कदर खो जाएंगे। एक दूसरे की जिंदगी में बस एक याद बन कर रह जाएंगे। हम ना तुमसे ना जिंदगी से कोई शिकायत करेंगे। बस इस यकीन को हमेशा दिल में रखना। जब भी दिल से पुकारेंगे तुम्हें अपने पास पाएंगे। धन्यवाद। मैं स्वप्नाली माने आज हिंदी दिन के अवसर पर आपके सामने काव्य पेश कर रही हूँ। मेरे काव्य का नाम है जिसे देश से प्यार नहीं है जीने का अधिकार नहीं है। जीने को तो पशु भी जीते हैं। अपना पेट भरा करते हैं। कुछ दिन इस दुनिया में रहकर वे अनंतहा मरा करते हैं। ऐसे जीवन और मरण को होता यह संसार नहीं है। जीने का अधिकार नहीं है जिसे देश से प्यार नहीं है। मानव वह है स्वयं जिए जो और दूसरों को जीने दे। जीवन रस जो खुद पीता वह उसे दूसरों को पीने दे। साथ दे जो औरों का क्या वह जीवन भार नहीं है। जीने का अधिकार नहीं है जिसे देश से प्यार नहीं है। सांसों गिनने के आगे भी सांसों का उपयोग करो कुछ। काम आ सके जो समाज के तुम ऐसा उद्योग करो कुछ। क्या उसको सरिता कह सकते जिसमें बहती धारा नहीं है। जीवन का अधिकार नहीं है जिसे देश से प्यार नहीं।